को वहां पे नॉक डाउन कर दिया गया है, बट स्ट्राउड जैसा कि आप देख सकते हैं वहां पे लाइफक्राफ्ट के एक पेयर को उन्होंने वहां पे नॉक जरूर किया, और वो इसी के साथ साथ मावी को यहां पे रिवाइव भी करते हुए दिख जाएंगे। सो दोनों ही टीम की तरफ से एक एक प्लेयर यहाँ पे नॉक हुआ है, सो लेट्स सी यहाँ पे रिवाइव कर पाते हैं कि एक प्यारा ग्रेनेड ये हो सकता है पीएमसी और पीएमपीएल की तरफ से, बट वो ग्रेनेड बाउंस होके उनके ऊपर ही आ जाता है और इसी के साथ साथ वो यहाँ पे नॉक हो जाएंगे। काफी ज्यादा दिक्कतें बढ़ सकती है टीम मावी की स्क्वाड को, जैसे कि आप देखते हैं स्काउट अब आगे बढ़ेंगे अपने टीममेट के पास जाने की जरूर कोशिश करेंगे, बट वहां पे व्हीकल के पीछे एक प्लेयर ऑलरेडी शायद होल्ड करते हुए हमें देख जाएंगे। काफी इंटेंस सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, जैसे कि आप देख सकते हैं प्लेयर को स्पॉट करने की कोशिश है, टीम मावी के एक प्लेयर को यहाँ पे नॉक डाउन कर दिया गया। काफी दिक्कत में यहाँ पे दोनों की टीम के प्लेयर आ सकते हैं यहाँ पे चार्ज करने की कोशिश पाइथन के साथ, यहाँ पे शॉट लेंगे और एक प्लेयर को यहाँ पे नॉक डाउन भी कर देंगे। एक लास्ट प्लेयर मेरे हिसाब से यहाँ पे टीम मावी की तरफ से बाकी रहेंगे। लेट्स सी अब आगे की क्या सिचुएशन होती है, क्या यहाँ पे टीम मावी की टीम कमबैक कर पाते। स्काउट यहाँ पे लास्ट मेंबर उनकी टीम की तरफ से खड़े रहेंगे। 1v3 की सिचुएशन एंड इट इज नॉट लुकिंग गुड फॉर टीम मावी। एंड डेफिनेटली इधर 1v3 का सिचुएशन बनता हुआ, दूसरी तरफ टीम ऑरेंज रॉक के साथ टीएसएमडीटी का फाइट हो चुका है। नीचे एनिमा गेमिंग भी इधर थर्ड पार्टी करने के लिए आ जाएंगे एंड यस एनिमा गेमिंग का इधर क्लोज इन देखने के लिए मिलता हुआ। स्काउट फर्स्ट जाएंगे बीचों बीच एंड मुश्किल इनके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़ता हुआ देखने के लिए मिलता है। सो लाइफक्राफ्ट एनिमा गेमिंग एंड टीम मावी के बीच में इधर फाइट हो चुका है इनिशिएट एंड उसी के साथ टीम मावी की तरफ से स्काउट ओपी लास्ट प्लेयर लाइफ है, इनके ऊपर नेट का इस्तेमाल किया जाएगा एंड विद दैट यूटिलिटीज इधर बहुत ही ज्यादा डैमेज किया गया है। प्रोवाइड एक और नेट आएगा लेकिन इस नेट से उतना भी ज्यादा डैमेज देखने के लिए नहीं मिला है। सो लेट्स सी तीन टीम्स में से कौन इधर से एस्केप कर जाते हैं एंड कौन इधर फाइट में इनिशिएट होते हैं। एंड राइट हैंड साइड में अगर देखा जाए ऑलरेडी इधर फाइट से एस्केप करते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे टीम नंबर 16 टीम लाइफक्राफ्ट इधर से जा चुके हैं एंड उसी के साथ स्काउट ओपी का किल सिक्योर करते हुए टीम एनिमा गेमिंग अपना पहला किल निकाल के लेके जाने में हो चुका है सफल। बट अगर दूसरी तरफ देखा जाए चलेंगे अब लोग टीम टीएसएमएटी के पास, टीएसएमएटी वर्सेस टीम ऑरेंज रॉक।